values are stored in this mein, key and pairs. ठीक है, तो जितने भी डेटा टाइप्स अभी तक हमने पढ़े हैं, जैसे कि लिस्ट हो गए है ना, टपल्स हो गए, सेट्स हो गए, स्ट्रिंग्स हो गए, बूल, जो भी डेटा टाइप आपने स्टडी किया हुआ है, ठीक है, तो डिक्शनरी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ डेटा टाइप जहाँ पर वी यूज टू स्टोर द डेटा वैल्यूज, और इनको स्टोर करते हैं हम इन द पेयर ऑफ की एंड वैल्यूज, ठीक है, तो के वी पेयर बोलते हैं हम इनको. तो डिफाइन करने जाए तो डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स. जैसे सेट में डुप्लीकेट नहीं होते, वैसे डिक्शनरी में आप नहीं कर सकते. बट डुप्लीकेट्स को भी मैं डिफाइन करूंगा मोर प्रिसाइसली, दैट डुप्लीकेट्स आप की का नहीं कर सकते, वैल्यूज का कर सकते हैं, है ना. जैसे आपने एक की में दे दिया a इक्वल्स 5, तो b में भी इक्वल्स 5 आप दे सकते हैं, बट a इक्वल्स 5 एंड देन a इक्वल्स 10 ये नहीं करते, ठीक है. तो यू कैन राइट अ पर्टिकुलर की, ओके, बट यू कैनॉट रिपीट अ वैल्यू इटसेल्फ, सॉरी अ की इटसेल्फ, ओके. तो देखते हैं, चलो. तो इन डिक्शनरी लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि वी डिड समथिंग कॉल एज कलेक्शन, फ्रॉम कलेक्शंस यूज टू इम्पोर्ट काउंटर. काउंटर फंक्शन अगर आपको याद रहा होगा तो जैसे कि अलग से एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग होता हुआ करता था कि s इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग ले लें अगर, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख दिया, तो s में जितने वर्ड्स हैं वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं ये काउंटर हमको खोज करके देगा. तो काउंटर का s प्रिंट करेंगे तो वी फाइंड दैट a इज फॉर वन टाइम, r फॉर वन, t फॉर टू, i फॉर फोर, f फॉर वन. तो ये पर्टिकुलर क्या है, एक डिक्शनरी क्रिएट करके दिया आपको. That dictionary के left side में what you see is the keys and in the right side what you see are the values. Clear है, एकदम simple सा logic है, ठीक है. तो dictionaries are written with curly brackets and they have key and values. यही key और यही values हैं. अच्छा, spaces भी one है तो उसका भी count आपको मिलेगा, including everything. समझ गए, चलो. डिक्शनरी, नेस्टेड डिक्शनरी के बारे में सुना आपने, नेस्टेड लिस्ट या नेस्टेड डिक्शनरी. जैसे काउंटर तो आपने देख लिया किस तरह से करता, काउंटर का मीनिंग मतलब समझ में आया ना. जैसे अगर मैं लिख दूं काउंटर ऑफ तो 0 वन टाइम है, 1 वन टाइम है, इस तरह से आ जाएगा. जैसे मैंने 4 भी लिख दिया तो 4 टू टाइम्स हो जाएगा, ठीक है. ये बेसिक एग्जांपल्स हैं गाइस, समझ रहे ना. जैसे मैं एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर देता हूँ, आई एम क्रिएटिंग एन एम्प्टी डिक्शनरी. ये एम्प्टी डिक्शनरी है, ठीक है.
ग्रेड्स क्रिएट किया जैसे। है ना, तो जोएल एंड टिम का ग्रेड्स क्रिएट कर दिया। तो कैसे चेक करूंगा इनके ग्रेड्स को? ग्रेड्स जैसे जोएल का ग्रेड चेक करना, तो JOEL, तो 80 आ गया। आप ऐसे और कैसे लिख सकते हो? ग्रेड्स डॉट गेट जोएल, एटी मिला आपको। अब यही सेम ऑपरेशन अगर हम किसी ऐसे की पे रन करते हैं कि जिनका वैल्यूज और जिनका कीज हमने स्पेसिफाई ना किया हो, तो है ना, जिनके वैल्यूज या कीज हमने स्पेसिफाई ना किए हो, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कह दूं कि ग्रेड्स में से इफ आई एम लुकिंग फॉर केट्स, केट का अगर मैं ग्रेड चेक करना चाहूं, तो क्या मैंने केट को डिस्क्राइब किया है या डिफाइन किया है? नहीं। तो इफ आई लुक टू द केट या ग्रेड्स, तो मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए? एक की एरर, ऑब्वियस है ना। तो इसको चेंज करेंगे, या इफ वी वांट, अगर गेट मेथड को थोड़ा फोकस करें, तो गेट मेथड इज समथिंग लाइक व्हिच गिव्स यू, देयर इज अ पैरामीटर। अगर मैंने जोएल के यहाँ साइड पे 80 लिख दिया या 90 लिख दिया, 890 लिख दिया, रन कर दिया, तो एम आई गेटिंग द वैल्यू 890? नो। व्हाई? बिकॉज द वैल्यू इज 80, ओनली 80, है ना। तो वो चेंज नहीं होगा क्योंकि आपका दैट की इज डिफाइंड की, वो पहले से डिफाइंड है। ओके, तो लेट्स से दैट, या कहाँ गया ये? व्हाई इट्स नॉट वर्किंग? माउस इज नॉट वर्किंग, जस्ट अ मिनट। ओके फाइन। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर ग्रेड्स और केट का हटा कर गेट लिखूँ और मुझे चाहिए केट का वैल्यू, अब मैं यहाँ स्पेसिफाई करके 9 लिख दूँ और रन करूँ, तो मुझे वैल्यू मिला। ग्रेड्स को रन किया तो वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आए हैं, है ना, कोई चेंजेस नहीं आए हैं यहाँ, बट आपको वैल्यू मिला। वाई? बिकॉज आपने स्पेसिफाई किया कि गेट का वैल्यू 9 है, दैट इज व्हाट यू आर स्पेसिफाइंग देयर। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट। चलो, तो इसी के वैल्यूज को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। अगर आपने ये टर्म सुना होगा तो डिफॉल्ट डिक्शनरी सुना होगा शायद, है ना, तो उसी पे काम करेंगे। लाइक लेट्स से यू आर ट्राइंग टू काउंट द वर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट, ठीक, एंड एन ऑब्वियस अप्रोच इन क्रिएटिंग अ डिक्शनरी इज लाइक कीज एंड वर्ड्स आपको वन बाय वन क्रिएट करने पड़ेंगे, है ना। वर्ड्स काउंट का आपने एक ऐसा मान लो वर्ड्स काउंट का आपने एक डिक्शनरी क्रिएट कर दिया, तो आपने लिखा फॉर वर्ड इन, एक डॉक्यूमेंट ले लिया हमने ऐसे ही स्ट्रिंग के जैसा, फॉर वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट ले लो, वो डॉक्यूमेंट की जगह कुछ भी हो सकता है ना, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, बट वी आर टेकिंग दिस। तो
तो फॉर वर्ड इन वर्ड डॉक्यूमेंट या वर्ड्स काउंट ले लिया तो आपने किया वर्ड वर्ड काउंट प्लस इक्वल वन। नॉर्मली जैसे हम इंक्रीमेंट करते हैं वैल्यूज वैसे ही, या इनका एक आप की क्रिएट करके इंक्रीमेंट कर दो और बेटर है, नेक्स्ट लाइन में लिखने से अच्छा डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, है ना। या एल्स में आई विल राइट वर्ड्स काउंट ऑफ वर्ड इक्वल वन। समझ गए क्या हुआ, क्या मिला, डी ओ सी यू एम ई एन टी वैल्यूज आ गए। अभी एक एवरी स्लाइटली वर्ड को अगर इफ यू वांट टू लाइक ऐड इट ओके, तो वहां पे व्हाट वी यूज डिफॉल्ट डिक्शनरी। जैसे अभी केट का एग्जांपल किया ना हमने, अरे सेव, अभी एक छोटा सा आंसर दिखाऊं कैसे, देखो मान लो एक डिफॉल्ट डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हो, है ना, तो आपने डाला जोएल, जोएल के अंदर डाला मैथ्स इक्वल्स लिख दिया 95, रन कर दिया, डीडी डिक्शनरी चेक किया, आपको मिला एक डिक्शनरी है जिसका की है जोएल, जोएल के अंदर की है मैथ्स, मैथ्स का स्कोर है 95, ठीक है। आपने ऐसे क्या किया, ऐसे ही आपने बनाया जोएल, आपने लिख दिया फिजिक्स, याद करो एक बार हमने किया भी ऐसा, इनपुट लेकर किया है ऐसा, डिफॉल्ट डिक्शनरी ने क्रिएट किया है, कॉपी किया पेस्ट किया, ठीक है, एक ही पर्टिकुलर की के अंदर वैल्यूज आप कर रहे हैं, देखते हैं। तो एक ही जोएल के अंदर एक पर्टिकुलर की के अंदर यू गॉट थ्री वैल्यूज, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, कोई डाउट है क्या, नहीं, ठीक। अभी मान लो कि इफ आई एम चेकिंग, जैसे अभी हमने क्या किया था ग्रेड्स के अंदर, अगर हम लिखे केट का वैल्यू दिख रहा है क्या कुछ, की एरर, बट है डीडी डिक्शनरी के अंदर केट का वैल्यू चेक करें तो एक एम्प्टी सेट एम्प्टी डिक्शनरी दिखेगा कि केट डिक्शनरी या केट की के अंदर एक एम्प्टी डिक्शनरी है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब आप इसको रन करोगे तो आपको दिखेगा कि केट नाम का एक की क्रिएट हो गया। अब आप उसके अंदर वैल्यूज एंटर कर सकते हैं कैसे, ऐसे जैसे इसमें है सेव, so up when you look onto the dd dictionary you'll find that there is joel which is having value of maths physics and chemistry and there is kate which is having value of physics। ab ye batao mujhe ye do kyu create hua, kyunki yahan pe k capital aur x small likh diya humne, hai na, to main kya karunga isko bhi capital mein hi i will
राइट दिस एंड ये मैं मैथ्स में लिख दूंगा, है ना, ऐसा रन कर देंगे और लास्ट वाले को क्या कर देंगे, पॉप आइटम कर देंगे जिससे लास्ट एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। पहले तो डीडी डिक्शनरी को चेक कर लोगे, चेक किए तो ऐसा दिखा फिजिक्स ऐड नहीं हुआ, तो फिजिक्स को आप कैपिटल के करोगे, दिख गया। अब रन करोगे, यू विल फाइंड ऑल दीज थिंग्स, ओके। अब आप क्या करोगे, लास्ट वाले को हटा दोगे, तो कैसे करोगे, डॉट पॉप आइटम, तो ये क्रिएट फिजिक्स 76 हट गया और आपके पास बचा ही है एक डिक्शनरी जिसमें जोएल के मार्क्स ये हैं, केट के मार्क्स ये हैं। अब आप कैसे निकालोगे, डीडी डिक्शनरी के अंदर अगर आप देखना चाहते हो जोएल के मार्क्स का, यू विल फाइंड लाइक दिस, ये जोएल, तो इसके पास मैथ्स में इतने 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 आ गए। अभी इसका पर्टिकुलरली मैथ्स का नंबर चाहिए तो आप ऐसे जाओगे मैथ्स एंड यू फाइंड, क्लियर है? अरे कोई डाउट है? नहीं ना, चलो ऐसे रन होता है और दिस इज सम हाउ यू वर्क विथ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी इसी तरह से चलता है। अभी इनमें भी नेस्टेड डिक्शनरीज होते हैं, नेस्टेड डिक्शनरी आपने देख लिया कैसे चलता है, एक की के अंदर यू क्रिएट अनदर की एंड देन यू राइट इट, सिंपल है। ये एक डिक्शनरी है आपका और इसके अंदर एक और डिक्शनरी आपने क्रिएट कर दिया, है ना। अरे यार ऐसा है, आपका मान लो साइंस नाम का डिक्शनरी है, एक डोमेन क्रिएट कर रहे हैं किसका, क्लास 11th का, ठीक है। तो क्लास 11th का आपने एक डोमेन क्रिएट किया, कैसे क्रिएट किया बताओ तो, ऐसा देखे एक डिक्शनरी क्रिएट किया जिसमें आपने दिया साइंस स्टूडेंट्स, साइंस स्टूडेंट में आपने एक डोमेन क्रिएट कर दिया क्या कि साइंस स्टूडेंट में स्टूडेंट क्या चूज, अच्छा साइंस स्टूडेंट में स्टूडेंट कैन हैव फिजिक्स, अच्छा साइंस स्टूडेंट में भी आपने क्या लिखा, साइंस स्टूडेंट में भी देयर कुड बी मैथ स्टूडेंट, तो मैथ स्टूडेंट क्या होंगे जो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, इनका प्राइमरी सब्जेक्ट्स होंगे। अभी इसके बाद आपने बोला एक होंगे बायो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी स्टूडेंट्स, बायोलॉजी वाले कौन होंगे जो कि फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे एंड बायोलॉजी पढ़ेंगे, इनका हो गया इधर से बाहर आए। अब आपने कहा कि एक कॉमर्स स्टूडेंट हो गया, तो अभी कॉमर्स में आपके क्या क्या सब्जेक्ट हो गए, कॉमर्स में आपने, कॉमर्स में भी आप अगर स्पेसिफाई करना चाहते हो तो उसमें भी आप दे दिए कि कॉमर्स में भी आपके पास दो तरह के स्टूडेंट्स हो गए, कि कॉमर्स भी कंप्यूटर कॉमर्स, एक हो गया आपका प्लेन कॉमर्स जिसमें कि सब्जेक्ट्स हो गए, अब मैं नॉर्मल सब्जेक्ट्स दे देता हूँ कुछ भी ऐसे ही अपने जितना मुझे पता है, तो यह क्या कॉमर्स है, किसी को पता हो सब्जेक्ट्स के नाम तो बताना, इलेवन ट्वेल्थ में किसी ने पढ़ा हो, मुझे तो पता नहीं उतना, तो अकाउंटेंसी बिजनेस और क्या तो रहता है, इकोनॉमिक्स होता होगा, अच्छा मैं तीन दे देता हूँ इनके साथ, अच्छा हाँ इकोनॉमिक्स दे देता हूँ और एक हो जाते हैं कंप्यूटर कॉमर्स,
उनके पास भी यही सब होता है, अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, ठीक। अब ये सब हो गया साइंस एंड कॉमर्स, तो आपका यहाँ पर हो जाता खत्म। डोमेन हो गया, आपने क्रिएट किया क्या, एक नेस्टेड डिक्शनरी। तो डोमेन का कीज कितने हैं देखते हैं, तो कीज हमको पता चलेगा कि 11th है क्लास की, क्लास 11th के कितने सब्जेक्ट्स आपने बना दिए। तो डोमेन ऑफ क्लास 11th के क्या सब्जेक्ट्स हैं, तो डोमेन ऑफ क्लास 11th में आपने बता दिया एक डिक्शनरी है जो कि साइंस से डील करता है ना, और साइंस के अंदर ये सारे कुछ हैं। अभी आपको एक इंडिविजुअल डिक्शनरी बनाना था, ऐसा जैसे आपने बनाया ना साइंस, साइंस क्लोज हो गया, तो देयर कुड बी कॉमर्स, ऐसा कॉमर्स का डिक्शनरी है। अभी साइंस के अंदर आपने जैसे क्रिएट कर दिया, ख़त्म हो गया, तो वैसे ही कॉमर्स के अंदर भी एक होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, एक कंप्लीट हुआ प्लेन कॉमर्स लिया, प्लेन कॉमर्स कंप्लीट किया, साइंस के अंदर में दो स्ट्रीम लिया, मैथ्स एंड बायोलॉजी, ब्रैकेट्स का काफी ध्यान रखना पड़ता है। नंबर
प्रॉब्लम क्या हो रहा है? अच्छा मैथ्स में जा रही है तो ओके मैथ्स एक डिक्शनरी हो जाएगा जिसके तीन वैल्यू जो जाएंगे उसको प्रिंट तो करना ही पड़ेगा। साइंस को एंड किया, कॉमर्स को प्लेन कॉमर्स नहीं दे सकते, तो डिक्शनरी देना पड़ेगा। ओके ये ब्रैकेट्स थोड़े से एरर्स ला रहे, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक मिनट ना। फाइल नंबर 3 एंड एन एंड एन ओके अच्छा एक काम करते हैं, डोमेन को विल मेक अ डिफॉल्ट डिक्शनरी, ठीक है। तो डोमेन डॉट पीज में भी कुछ नहीं है और इनमें भी कुछ नहीं है, तो एक काम करते हैं हम ऐसा क्रिएट किए कि डोमेन में लेट्स सी कहाँ पे ब्रैकेट प्रॉब्लम आ रहा है, तो डोमेन में हमने दे दिया क्लास 11, उसके अंदर हमने दे दिया साइंस, ठीक है। साइंस के अंदर में हमने दे दिया फिजिक्स, और उसके साइंस के अंदर हमने क्या क्या रखा है, मैथ्स ना, मैथ्स, और मैथ्स के अंदर हमने रख दिया फिजिक्स, सेम कॉपी पेस्ट, केमिस्ट्री पेस्ट, मैथ्स, ठीक है, कॉपी पेस्ट किया। अच्छा कोड समझ लेना ना, बाद में प्रॉब्लम ना हो। बायोलॉजी इतनी कॉपी, ये दोनों तो सेम ही है, ये भी सेम है, ये चेंज होकर आ जाएगा बायोलॉजी, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है अभी के लिखे हैं? नहीं ना, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर इसमें आएंगे कॉमर्स में, तो कॉमर्स के अंदर में वी हैव हाँ प्लेन कॉमर्स लिया है, प्लेन कॉमर्स के अंदर आपने पहला सब्जेक्ट दिया है अकाउंटेंसी, उसको कॉपी कर लेते हैं, नीचे पेस्ट कर देते हैं, अकाउंटेंसी, फिर आपने लिया है बिजनेस, फिर आपने लिया है अकाउंटेंस, है ना। फिर इन्हीं के साथ ये सारा कुछ अटैच है। अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है, इनके साथ पेस्ट होके बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर थोड़ा सा क्या है कोड में चेंजेस है, नॉर्मल डिक्शनरी आप जैसे क्रिएट करते हो उनसे डिफरेंट है, और एक वेस्ट हुआ और
ए बटे का काउंट नहीं होगा। सर प्लेन कॉमर्स हैज टू बी चेंज टू कॉम ट्यूटर हाँ कॉमर्स राइट हाँ अच्छा, हाँ, ना वी नीड टू चेंज अरे हाँ हाँ देखते हैं अभी ये एक साथ डोमेन क्रिएट करके रन करो फिर से की एरर साइंस में एरर आया किधर है कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है क्या भी ऐसा एरर देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ये फॉर्म हो गया अभी साइंस का क्या प्रॉब्लम है इधर 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 कोई प्रॉब्लम आया था क्या ऐसा एक मिनट देखने दो जोएल ने फिजिक्स डाला केमिस्ट्री डाला डाला अच्छा एक के अंदर एक डाल रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रहा है साइंस का तो वैल्यूज है ना मैथ्स ऐसा होना चाहिए जब इनका साइंस है और मैथ्स के अंदर फिजिक्स है और वी नीड टू वर्क आउट अगेन इन दिस मुझे तो लग रहा है दोबारा से थोड़ा और कोड में एक्चुअली ये कोड लॉन्ग जाएगा थोड़ा सा नहीं तो तब तक सिंटेक्स एरर लिस्ट इंडेक्सेस मस्ट बी इंडेक्सेस हाँ ठीक है डोमेन में कितने चेंजेस आए कुछ नहीं आया अच्छा अलर्ट्स टू वन थिंग इसको कट कर दिया और मैथ्स किया रन हुआ साइंस में आया मैथ्स बस अभी वो कोड पे यहाँ पेस्ट किया देखते हैं एक मिनट है ना तो यहाँ अभी पेस्ट करके रखता हूँ मैं लेट मी डू वन थिंग अभी कॉपी पेस्ट अरे यार कॉपी पेस्ट इक्वल्स फिजिक्स एसटीआर ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट अच्छा वो आ गया एक वैल्यू तो अगर 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 इफ वी राइट यस फॉर्म अभी आप यू कैन अप्लाई वैल्यूज है ना एक डिक्शनरी क्रिएट हो गया जिसमें आई गेस अब आप वैल्यूज एंटर कर सकते हो कि साइंस इज इक्वल्स टू
एक डिक्शनरी है ना, डिफॉल्ट डिक्शनरी है। अब आई थिंक वी कैन राइट मैथ्स इक्वल्स केमिस्ट्री दैट, है ना? समझे क्यों नहीं हो रहा था ये? यहाँ एक डिक्शनरी, वी नीड टू फाइंड अ डिक्शनरी। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रहा था? डिक्शनरी बनाया था उसमें जो कितने ब्रैकेट्स का प्रॉब्लम है, 1 2 अच्छा, या तो एक छोटा सा टास्क करता हूँ मैं। डेटा सेट कितना टाइम है? 8 मिनट्स है ना, चल 1 मिनट। ओके, वी हैव 8 मिनट्स। एक टास्क करता हूँ छोटा सा, है ना? अच्छी, ओके। अच्छा ये रहा ना, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। ओके, ये हो गया। कंप्यूटर कॉमर्स में सेम थिंग विथ कंप्यूटर, ये हो गया आया। मैथ्स आया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हाँ बस हो गया। ठीक है, अच्छा अब लेट मी डू वन थिंग। डीटी इक्वल्स टू अ डिक्शनरी जहाँ आई हैव क्लास 11 as my domain and I have values of 2, another dictionary 1, okay, one dictionary, that's fine, there is one dictionary, okay, where you have 2 main domains, that is one of science, the science consisting of 2 more dictionaries, that is maths, whose values is maths, okay, done, and one is your biology, whose value is biology, and this dictionary is, I guess, over. The next is commerce. Whose values are plain commas, and I'm giving it as only commas, and then we have computer commas. And I'm giving values as computer commerce, and we end the science. Now this done. Okay. All right. So DT dot keys. I thank you. Yep. Okay. क्लास 11, फाइन। डी टी डॉट, डी टी में वहाँ क्या एरर आया था, कौन सा ब्रैकेट इशू आ रहा था पता नहीं। तो क्लास 11th का कीज देखेंगे तो हमको पता चलेगा साइंस एंड कॉमर्स है,
dt के अंदर इसी तरह से क्लास 11th में, क्लास 11th इफ वी टेक, तो क्लास 11th का इसमें विल चेक साइंस, तो विल हैव फिजिक्स, अच्छा मैथ्स मिलेगा इसमें भी आपको। कीज अगर सर्च करोगे तो यू विल गेट कीज ऑफ मैथ्स एंड बायोलॉजी, जहाँ पे इंडिविजुअली आप यू कैन गो विथ वन बाय वन इटरेशन। समझ में आया क्या? इसमें मैथ्स एंड बायोलॉजी है, मैथ्स एंड बायोलॉजी में पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स, ऐसे ही यू विल गेट कॉमर्स का। तो नेस्टेड डिक्शनरी ऐसे ही बनता है। एंड नाउ इफ आई क्रिएट इम्पोर्ट पांडा एस पी डी, एंड अगर एक डेटा फ्रेम क्रिएट करूँ कि पी डी डॉट, तो व्हाट दिस डेटा इज गिविंग मी इज समथिंग दैट पी डी डॉट डेटा फ्रेम डेटा इक्वल्स टू डी एफ सॉरी डी टी। तो डी एफ पॉसिबली मुझे देगा ऐसा कुछ रिजल्ट जिसको मैं ट्रांसपोज करके विल लुक लाइक या ऐसा। तो कॉमर्स में प्लेन कॉमर्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, ये हम पैंडास में पढ़ेंगे इन डेटा साइंस, डेट हायरार्किकल इंडेक्सिंग्स कैसे करते हैं, है ना। कॉमर्स का एक पर्टिकुलरली, साइंस का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, है ना, कैसे हायरार्किकल डेटा वी विल क्रिएट। समझ में आई बात, है ना। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।